हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बनाने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पीएस तिवारी, इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रेड लाइन सिम्टम। आज हमारा जो है रेड लाइन सिम्टम, आपके सहयोग से, आपके मोटिवेशन से आज हम 100 रेड लाइन सिम्टम का आज हमारा पूरा हो गया। इसके बाद आगे बनाना है कि नहीं बनाना है, जैसा आप लोगों का इच्छा रहेगा फिर आगे बनाएंगे, लेकिन आज हमारा सेंचुरी आज हमारा पूरा हो गया। दोस्तों, पहली दवाई के नाम है सीना। जिसके घर में 6 महीना के अंदर जो बच्चे हैं इन्फेंट से 6 महीना के अंदर, उस बच्चे को अगर दिन में ठीक रहता है और रात में बुखार रहता है, तब ऑटोमेटिक परेशान हो गए, वो डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर दुनिया भर का टेस्ट कराया, कुछ भी नहीं रिपोर्ट रहा। लेकिन बच्चे को जो है, जो छोटा बच्चा है, इन्फेंट है, 3 महीना का, 4 महीना का, 2 महीना का, तो उसको जो है उसका शरीर गर्म हो जाता है, सिर्फ रात में गर्म हो जाता है, रात को बुखार रहता है और दिन को ठीक रहता है। तो ऐसे बच्चों को आपको जो है सीना 6 पावर में एक एक बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार कम से कम 10 दिन तक दे देंगे, तो छोटे इन्फेंट्स का जो रात में बुखार आता है और दिन में ठीक रहता है, उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, उसको बुखार फिर आगे नहीं आएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है कैमोमिला। ये इसका रेड लाइन सिम्टम क्या है कि इन्फेंट्स में ही, छोटे बच्चे में ही, जब उनका जो है निपल्स जो है वो सूर हो जाता है, छूने से दर्द करता है, सोर, पेनफुल एंड टेंडर, खाली निपल्स, चाहे दाहिना हो चाहे बायां हो, छोटे बच्चों का जब निपल्स में प्रॉब्लम हो जाए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बच्चे को कैमोमिला 6 पावर में एक एक बूंद करके दिन में 3 बार कम से कम 10 दिन दीजिए, बच्चे का जो है जो निपल्स में प्रॉब्लम है ये आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है हार्शाइमस। और इसका एक खास रेड लाइन सिम्टम यह है कि मास्टरबेशन जो है, डिस्पोजिशन ऑफ मास्टरबेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बचपन से अभी तक मास्टरबेशन करता आ रहा है। तो हमारे पास ऐसे पेशेंट आए हैं जिससे हमको ये पॉइंट भी अपने रेड लाइन सिम्टम में जोड़ना पड़ा। तो जो बच्चे जो है, जो लड़के बचपन से ही मास्टरबेशन करते आए हैं, तो उनको चाहिए हार्शाइमस। हार्शाइमस 200 पावर में 4-4 बूंद करके हफ्ता में 1 बार लगातार ले लें कम से कम 3 महीना, तो उनका जो मास्टरबेशन की आदत जो है हमेशा के लिए छूट जाएगी, बशर्ते कि यह एग्जैक्ट सिम्टम मैच करे। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है स्ट्रामोनियम। और इसका एक रेड लाइन सिम्टम खास यह है कि ड्रिबलिंग ऑफ सलाइबा। इसमें क्या होता है, ड्रिबलिंग ऑफ सलाइबा, सलाइबा जो है ड्रिबलिंग करता रहता है, चूता रहता है हमेशा, पेशेंट परेशान रहता है पोछते पोछते, तो ऐसे पेशेंट को चाहिए स्ट्रामोनियम 200 हफ्ता में 1 बार दीजिए। अगर बच्चों में है तो उनको 30 पावर में दीजिए, 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार, तो ये सिम्टम मिलना चाहिए, ड्रिबलिंग ऑफ सलाइबा। अगर ये सिम्टम है तो इस दवाई से, स्ट्रामोनियम से, उनका जो है ड्रिबलिंग ऑफ सलाइबा ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है थूजा। इसका एक सिम्टम खोज के लाए हैं कि हम जब पानी पीते हैं और पानी जब पेट में जाता है तो उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई भी प्रॉब्लम हो, एकल्सिया कार्डिया से लेकर आपका जो है गैस्ट्राइटिस से लेकर, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपका एक सिम्टम मिलता है कि हम पानी पीते हैं और पानी की पेट तक जब पानी पहुँचता है तो हमको सुनाई पड़ता है, तो ये सिम्टम अगर है तो आप थूजा 200 पावर में 2 बूंद करके हफ्ता में 2 बार लगातार लीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इस प्रॉब्लम के साथ में अगर और कोई प्रॉब्लम जुड़ी है तो वो भी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है माइगेल। और इसका एक रेड लाइन सिम्टम क्या है कि कांस्टेंट मोशन ऑफ होल बॉडी, मोशन बना रहेगा पूरे शरीर में, तो आप न्यूरोलॉजी को दिखाते थक गए हैं फिर भी आपका ये पॉइंट नहीं ठीक हुआ है। तो अगर किसी को कांस्टेंट मोशन ऑफ होल बॉडी रहे तो उनको जो है माइगेल 200 पावर में हफ्ता में 2 बार लगातार लीजिए, उनका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है सीपिया। और सीपिया का एक खास सिम्टम यह है कि आपके इनर से कांस्टेंट उजिंग होता रहेगा। आप साफ किए 5-10 मिनट के अंदर साफ किए और फिर उजिंग हो गया, पानी निकले चाहे पस निकले, हमेशा गिदा रहता है, निकलता ही रहता है। याद रखिए, इसमें जो है अगर बीच में बंद हो जा रहा है और उसके बाद फिर निकलता है तब दवाई काम नहीं करेगी। तो पेशेंट को सीपीआर 200 2 बूंद सुबह शाम लगातार दीजिए कम से कम 2 हफ्ता, जब उजिंग ठीक हो जाएगी तो सीपीआर 200 हफ्ता में 1 बार लगातार दीजिए। इसी दवाई से अगर आपका यह सिम्टम है तो इसी से आपकी प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है पोडोफाइलम। पोडोफाइलम का एक रेड लाइन सिम्टम क्या है कि
हम जो जब भी पानी पीते हैं आपको पेशाब की इच्छा होती है और कभी कभी जाना पड़ता है, कभी कभी जाते भी हैं। ये एक अगर कभी कभी होता है तो ठीक है, लेकिन अगर ये शेड्यूल बन गया है कि आफ्टर ड्रिंकिंग अर्जिंग टू यूरिनेट आपका ये प्रॉब्लम है, तो आपको पोर्टोफाइलम 200 हफ्ता में एक बार लेनी है। और प्रॉब्लम अगर नया है, 2-4 महीने का है, तो पोर्टोफाइलम 30 दो बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए, तो आपका ये प्रॉब्लम जल्द से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको अपना रेड लाइन सिम्टम का 100वां वीडियो बनाया और अंतिम वीडियो बनाया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। तो अगर आपको जो है ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आपसे आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हुआ, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।